Hey guys, welcome back to my channel once again. तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता है कि उत्तराखंड में तीन बड़े डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक्स के रिजल्ट आए थे, जिसमें देहरादून, पिथौरागढ़ और था यूएस नगर, जिनमें तीनों में अनियमितताएं पाई गई थी भारी मात्रा में और जांच रिपोर्ट सबमिट हो गई है। कल ही हमने डिटेल वीडियो बना के रखा है, तो आप जरूर चैनल पे विजिट करें अगर पहली बार आए हैं। तो जैसे जैसे रिपोर्ट की खबरें लीक हो रही हैं, इन्फॉर्मेशन बाहर आ रही है, देखिए एक और बड़ी इन्फॉर्मेशन बाहर निकल के सामने आ रही है, वो ये कि 1000 से ज़्यादा पेज में दर्ज है भर्ती घोटाले का सच। क्या है पूरी सच्चाई, डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जिला सहकारी बैंकों की चतुर्थ श्रेणी में जो अनियमितताएं पाई गई हैं, उनमें जो सबसे भारी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई थी वो पाई गई थी देहरादून। जो DCB था वहाँ पर जो जांच चली थी काफ़ी लंबी, सघन और ऐसी चली थी कि शायद कभी इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गड़बड़ी की जांच का सच 1151 पेजों पर दर्ज है। जैसे कि कल हमने आपको वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले DCB दून की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सौंपी भी गई है, उस पर गहन चर्चा होगी, उस पर डिसीजन लिया जाएगा, उसी के सापेक्ष उसके बाद DCB पिथौरागढ़ और DCB USB का नंबर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सहकारिता सचिव BRC पुरुषोत्तम ने इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रहे हैं। शासन को अभी सिर्फ देहरादून की रिपोर्ट मिली है, दो अन्य जगहों की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? आप देख सकते हैं दो अन्य जगहों की रिपोर्ट 15 से लेकर 20 जुलाई के बीच मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो सोचिए, मतलब कि अगर आप देख सकते हैं अभी तो केवल देहरादून की रिपोर्ट का अध्ययन हो रहा है, अभी तो आपका US नगर और पिथौरागढ़ का होना है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि इस भर्ती की जांच की फाइनल वर्डिक्ट आने में काफ़ी लंबा वक्त लग सकता है। अब आपको करना क्या है, इनके जितने भी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हैं, फेसबुक पेज है, जहां जहां भी सोशल मीडिया पर मिनिस्टर धन सिंह रावत हैं, सहकारिता मिनिस्टर हैं, उसके अलावा सहकारिता के जो पेजेस हैं, जो भी सोशल मीडिया हैंडल हैं, सभी में जाकर आपको अपने अपने विचार रखने हैं। नहीं तो आप मान के चलिए इस भर्ती में वर्डिक्ट आने में कितना लंबा समय लग सकता है, आप इसको समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो उप निबंधक नीरज बेलवाल और मानसिंह ने 3 माह, जहाँ 15 दिन का टाइम लेना था वहाँ दिया गया था, वहाँ पर 3 माह की रिपोर्ट सौंपी है। 1151 पेज की रिपोर्ट तैयार की है, इसमें करीब 80 पेजों में पूरा मामला विस्तार से रखा गया है, जबकि शेष पर साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। टीम ने हर अनुभव और शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच पड़ताल की, जैसे कि हमने कल ही आपको डिटेल में सब कुछ बता के रखा है। तो बैंक के राज्य स्तर पर बनी चयन समिति ने पूरी इस प्रक्रिया में जांच की है, जिसमें यहाँ पर कई लोगों के संदिग्ध मामले यहाँ पर जो है पाए गए हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में अनियमितताएँ पाई गई हैं। इसको लेकर सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। यहाँ पर इस प्रकरण में आप देख सकते हैं बड़ी कार्रवाई को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा है, हालांकि सरकार के स्तर पर फैसले तीनों जिलों की रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। देहरादून के बाद US नगर और पिथौरागढ़ की रिपोर्ट आनी है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा जो अनियमितताएं पाई गई हैं DCB दून में पाई गई हैं, उसके बाद पिथौरागढ़ में और बाद में US नगर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दबाव सरकार पर भी है, लेकिन उन कैंडिडेट्स के ऊपर भी है जिनका फेयर सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ है, और जिनका जो है हो गया है। अब बाकी आप तो खुद समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। और जो दूसरी जो बड़ी बात निकल के आ रही है, वेतन को लेकर भेदभाव में आ रही है, ये मैंने पहले दिन भी ये बात उठाई थी कि DCB दून को छोड़कर DCB आप US नगर और DCB पिथौरागढ़ में सभी कैंडिडेट्स जो ज्वाइनिंग हो गए थी उनको उनका वेतन समान रूप से समय पर मिल रहा है, लेकिन उन कैंडिडेट्स का क्या जिनका ज्वाइनिंग जो है DCB दून में हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि देहरादून, US नगर और पिथौरागढ़ DCB में भर्ती कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी भेदभाव हो रहा है। US नगर और पिथौरागढ़ में रखे गए कर्मचारियों को लगातार वेतन भुगतान हो रहा है, जबकि देहरादून के कर्मचारियों का वेतन जारी नहीं हो रहा। इस पर लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया था, जहाँ पर
कहा था कि सहकारिता विभाग ने जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है उनका वेतन रोक दिया गया है। तो हालांकि वहां पर वो स्थिति स्पष्ट साफ नहीं हो पाई थी कि ये सभी डीसीबीज के लिए है, यानी कि जो तीनों डीसीबीज के लिए है कि एक डीसीबीज के लिए। तो फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि केवल ये देहरादून के लिए। तो ये कैसी मतलब अनियमितता है कि अगर आपको वेतन रोकना था तो जितने भी तीनों डीसीबी के कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हुआ था सबका रोकना था, नहीं तो फिर किसी का नहीं रोकना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अनियमितता है पूरे डीसीबी के अंदर, पूरे विभाग के अंदर। मतलब ऐसा क्या ही कहूँ मैं, शब्द ही कम पड़ रहा है। आपके पास शब्द होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जबकि सरकार की ओर से, ये देखिए मैं आपको जो बोल रहा हूँ वो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, जबकि सरकार की ओर से स्पष्ट आदेश है कि किसी भी कर्मचारी को ज्वाइनिंग ना कराया जाए। इसके बाद भी तीनों बैंक मैनेजमेंट सरकार के आदेश का दरकिनार करते हुए ज्वाइनिंग करा दी और उनका वेतन सही समय पर दे रहे हैं। तो कितनी प्रकार की अनियमितताएं पूरे डीसीबीज में लगातार अंदर खोखले की तरह इसमें इसको खोखला करते जा रही हैं, क्योंकि अगर सिस्टम ही इस तरह का भ्रष्ट होगा तो सोचिए किस तरह के जो जनता है उस पर क्या असर पड़ सकता है। और उसके अलावा जो कैंडिडेट हार्ड वर्क करके वहाँ तक पहुँचते हैं उनको जो है सही दिशा और सही उनको जो गाइडलाइन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी मैं पहले भी कहा हूँ अब भी कह रहा हूँ, अगर जिन कैंडिडेट्स का इसमें सिलेक्शन होना चाहिए था वो उनका नहीं हुआ, या उसके अलावा तमाम जिन जिन कैंडिडेट्स को ये चाहते हैं कि रिजल्ट आए, वर्डिक्ट आए और स्पष्ट रूप से आए, सही तरीके से आए, तो अपनी ओर से आप एफर्ट जारी करो। नहीं तो इस वर्डिक्ट को आने में ये साल तो पूरा लग ही जाना है, जिस हिसाब से धीमी गति है। क्योंकि आपको भी पता है, हमको भी पता है, इसमें कई ऐसे लोग संलिप्त हैं जो कि सरकार के अंदर से आते हैं। तो फिर अगर आपने जोर नहीं लगाया तो फिर ऐसे ही लेट लथे पे होते रहेंगे। तो बाकी कोई भी खबर आएगी मैं तो हूँ आप तक पहुंचाने के लिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।